सोनारी थाना क्षेत्र अंतर्गत गोल्डन टाउन फ्लैट स्थित अपने मकान के बाथरूम में बैंक मैनेजर कुलदीप कच्छप का शव बरामद किया गया है। वहीं घर में शव पाए जाने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि मृतक बैंक मैनेजर कुलदीप कच्छप बिष्टुपुर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा में लोन मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। वह यहाँ अकेले ही रहते थे, जबकि उसकी पत्नी सरिता टोपपुर रांची स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत है। वह रांची में ही अपने बच्चों के साथ रहते थे। वही घर की साफ सफाई करने के लिए नौकरानी आती थी। जानकारी अनुसार हर दिन की तरह नौकरानी घर में काम करने के लिए आई। वह घर में प्रवेश की तो देखी कि बैंक मैनेजर बाथरूम में गिरे पड़े हैं। उसके बाद नौकरानी ने घर के बगल में ही स्थित फ्लैट के मालिक को इस बात की जानकारी दी। आदमी का इस बिल्डिंग में डेथ हो गया है। हमारे देखने के लिए तो पता चला कि काफी सारी संख्या में शराब का बोतल रखा हुआ है। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिक दारू पी करके उसका हार्ट अटैक हो गया है। तो देखने से अभी तक यही पता चला है, बाथरूम में पड़ा हुआ है। अभी जाकर देखे हैं बाथरूम में सिंधी है। क्या नाम है इसका पता चला नहीं? कुलदीप टोप्पो नाम है उसका। कुलदीप टोप्पो कुलदीप कच्छप कहाँ रहते हैं? उसका घर जो हल्दका साइड में है। घर वाले को खबर कर दिया गया है, ये अपने स्टेट बैंक में सर्विस करते हैं। ठीक है, बैंक का स्टाफ लोग भी आए हुए हैं। ये क्या घर में अकेले रहते थे? अभी वर्तमान में तो अकेले रहते थे।